जब एक कपल शादी के बंधन में बंधता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब कोई कपल माता पिता बनता है। बच्चे के आगमन से घर में खुशियां तो आती ही हैं, साथ ही माता पिता बनने के बाद दंपत्ति का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है और तब कहीं जाकर बच्चे का जन्म होता है। लेकिन इन सबके बीच सरोगेसी से बच्चे को जन्म देने का सिलसिला भी जारी है। देसी गर्ल के नाम से मशहूर बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा सरोगेसी से माँ बनी है, यानी कि किसी दूसरी महिला की कोख किराए पर लेकर। अब आपके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि सरोगेसी है क्या, इसमें कितना खर्च आता है, भारत में इसके बारे में कानून क्या है और क्या इसमें दूसरी महिला के साथ सेक्सुअल संबंध बनाने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सरोगेसी एक महिला और एक दंपत्ति के बीच का एक समझौता है जो अपनी स्वयं की संतान चाहता है। सरोगेसी को आम भाषा में किराए की कोख कहा जाता है, यानी अपना बच्चा पैदा करने के लिए जब कोई माता पिता किसी दूसरी महिला की कोख को किराए पर लेते हैं। और ये किराया कितना होगा ये दोनों की आपसी सहमति पर निर्भर करता है। किसी महिला के गर्भाशय में दूसरे कपल के बच्चे के पलने और पैदा होने की पूरी प्रक्रिया को सरोगेसी कहा गया है। जो महिला बच्चे को जन्म देती है और जो कपल सरोगेसी करवा रहे हैं उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है। इसके तहत होने वाले बच्चे के कानूनन माता पिता सरोगेसी करवाने वाला कपल ही होता है। सरोगेसी से बच्चा पैदा करने के पीछे कई वजहें हैं, जैसे कि अगर कपल के अपने बच्चे नहीं हो पा रहे हों, महिला की जान को खतरा हो या फिर कोई महिला खुद का बच्चा पैदा करना नहीं चाहती हो। तकनीकी तौर पर बात करें तो होने वाले पिता के स्पर्म और माता के एक्स का मेल या डोनर के स्पर्म और एक्स का टेस्ट ट्यूब के जरिए मेल कराने के बाद इसे सरोगेट मदर यानी कि जिस महिला की कोख किराए पर ली जाती है उसके गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। उस गर्भाशय में बच्चा विकसित होता है और डिलीवरी के बाद बच्चे को असली माता पिता को दे दिया जाता है। सरोगेट माँ बनने वाली महिला को गर्भावस्था के दौरान अपना ध्यान रखने और मेडिकल जरूरतों के लिए पैसे दिए जाते हैं ताकि वो प्रेगनेंसी के दौरान अपना और गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल रख सके। सरोगेसी एक बहुत ही महंगी प्रक्रिया है जिसमें लगभग 15 से 20 लाख रुपए आसानी से लग जाते हैं। ज्यादातर गरीब महिलाएं आर्थिक दिक्कतों के चलते सरोगेट मदर बनती हैं। सरकार की तरफ से इस तरह की कॉमर्शियल सरोगेसी पर लगाम लगा दी गई है। इसके तहत विदेशियों, सिंगल पेरेंट, तलाकशुदा जोड़ों और लिव इन पार्टनर्स के लिए सरोगेसी के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सरोगेसी के लिए महिला के पास मेडिकल रूप से पूरी तरह से फिट होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वह सरोगेट माँ बन सकती है। वहीं सरोगेसी का सहारा लेने वाले कपल के पास इस बात का मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। बच्चा पैदा होने के लिए पति और पत्नी या कहिए कि महिला और पुरुष के बीच सेक्सुअल रिलेशन होना जरूरी होता है, लेकिन सरोगेसी में ऐसा नहीं है। किराए की कोख के लिए दूसरी महिला को तैयार करने के बाद डॉक्टर IVF तकनीक के जरिए पुरुष के स्पर्म में से शुक्राणु लेकर उसे महिला की कोख में प्रतिरूपित करते हैं, इसलिए इसमें पुरुष और औरत के बीच शारीरिक संबंध की जरूरत नहीं है। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को धीरे से दबा दें।